आपको दिखाते हैं कैसे वॉशिंग मशीन का डायरेक्ट ड्राइव मोटर टेस्ट होता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको बाजार पे सेट करना है या तो ओम्स पे सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों पोर्ट को देख लगा के देखना होगा, यहाँ पे बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मीटर से आपका पोर्ट कनेक्ट है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे UVW तीनों होता है, UVW होता है, तो उसके बाद ब्लैक को यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है मार्क्स को किया है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बीप आ रहा है मतलब मोटर का यू का कनेक्शन ठीक है, मतलब किसी जगह पे कटा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे चेक करना है, भी चेक करना है, भी पे भी सेम बीप आना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। और नेक्स्ट पे देखेंगे डब्लू पे, तो डब्लू में भी सेम होना चाहिए, देखिए डब्लू में भी सेम आ रहा है 4.6, तीनों का रेजिस्टेंस ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से भी देख सकते हैं UVW, मतलब इसका इक्वल होना चाहिए रेजिस्टेंस जो है, देखिए 8.5 आ रहा है। तो यहाँ से जो मोटर है ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका गर्मी एम्बिएंट टेम्परेचर और मोटर कितना देर रन हुआ है, उस हिसाब से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो देखिए मैं देखिए तीनों पे सेम होना चाहिए। डायरेक्ट ड्राइव मोटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 7 से 15 का बीच पे होगा। तो देखिए यहाँ पे सब पे इक्वल आ रहा है रेजिस्टेंस जो आ रहा है, 7 ओम से 15 ओम्स तक हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना कितना केजी का वॉशिंग मशीन है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। चलिए ओके, थैंक यू।